चाइनीज मांझे के खिलाफ बैसोदा मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 चाइनीज मांझे की चरखी बरामद की है। पुलिस ने चाइनीज मांझे को बेचने के आरोप में 58 वर्षीय प्रभुलाल पिता देवीलाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्री ने बताया कि जानकारी मिलने पर बोगस ग्राहक बनाकर एक पुलिसकर्मी को मौके पर भेजा। पुलिसकर्मी ने मौके से चाइनीज मांझा खरीदा। आरोपी के खिलाफ धारा 128 ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। बैसोदा मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। जिला कलेक्टर महोदय मंदसौर के द्वारा जो है प्रतिदिन जो घटनाएं हो रही चाइनीज मांझे के कारण, किसी का गला कट जाता है, किसी बच्चे का हाथ कट जाता है, उसके कारण जो घटनाएं बढ़ रही थी, इस हेतु चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा गया था तथा संपूर्ण जिले में धारा 128 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के पालन में आज हमने एक जगह दबिश दी थी। प्रभुलाल पिता देवीलाल गुर्जर यहाँ पे डायमंड मिडी जाल के पीछे की दुकान है। ग्राम पंचायत करावन में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कैंप राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कैंप लगाकर संपूर्ण चिरंजीवी युक्त नून हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा, जिसका शुभ आरंभ राजेश गुप्ता जन अभाव निराकरण समिति सदस्य राजेश करावन ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा व 5 लाख का दुर्घटना बीमा परिवार के सदस्य को मोबाइल में दिया जाएगा। इस अवसर पर विकास अधिकारी प्रभुलाल वर्मा ने बताया कि हमारा प्रयास है कि पूरी पंचायत समिति को चिरंजीवी युक्त किया जाए। जिला परिषद सदस्य प्रभुलाल मेहर, पूर्व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत के सरपंच बालू सिंह ने सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। यह जानकारी नून हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। बताया कि पहले भी नून हॉस्पिटल के द्वारा ग्राम पंचायत सुलिया को चिरंजीवी युक्त किया जा चुका है। गणतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास व गरिमामय तरीके से मनाए जाने को लेकर बुधवार को तहसील गंगधार के सभागार में उपखंड अधिकारी छत्रपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समारोह स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, टेंट, माइक, बैठक सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही समारोह में सम्मानित किए जाने वाले भामाशाहों, जनहित कार्यों में उल्लेखनीय सहयोग करने वालों के नाम भी भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही शिक्षण संस्थाओं के बच्चों को मिठाई वितरण व्यवस्था के ग्राम पंचायत चौमेला को निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, तहसीलदार सुनील कुमार, विकास अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप मौर्य व चौमेला सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान व्याख्याता ओम शर्मा, जैन सोशल ग्रुप अध्यक्ष संतराज जैन, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष पवन पिछोलिया, उपाध्यक्ष धर्मचंद जैन, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता व वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। आज आपने जो मीटिंग ली है गणतंत्रता दिवस को लेकर, इस पर किस विषय पर ज्यादा चर्चा हुई है सर? 26 जनवरी के पूरे प्रोग्राम पर चर्चा हुई है, स्टार्टिंग से लेकर किसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, कैसे प्रोग्राम आयोजित कराना है और अच्छे से अच्छा कैसे करवाएंगे। डक कस्बे में स्थित ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ 3 संतान संबंधी मामले में वार्ड पंचों के बयान के दौरान हुआ हंगामा। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। बता दें कि ग्राम पंचायत भवन में वार्ड पंचों के सामान्य बैठक का आयोजन विकास अधिकारी डॉक्टर भानु मौली मौर्य की अध्यक्षता में किया जा रहा था, जिसमें सरपंच ने 3 संतान संबंधित मामले की जाँच को लेकर वार्ड पंच के बयान लेने लगे, जिसके चलते हंगामा हो गया और उप सरपंच सुरेश कुमावत ने इसे पूरी तरह गलत बताया, लोकतंत्र की हत्या करना बताया, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। भीड़ को डक थाना अधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में जवानों ने तितर बितर किया, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पंचायत समिति सभा भवन में बुलाकर की गई। जांच अधिकारी ओम प्रकाश सोनी व विकास अधिकारी डॉक्टर भानु मौली मौर्य ने बताया कि सामान्य जांच की प्रक्रिया कर सभी प्रकार के दस्तावेज एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, जो निष्पक्ष तरीके से की जाएगी, उसी के तहत वार्ड पंचों के बयान लिए जाएंगे। वहीं उप सरपंच सुरेश कुमावत व अन्य वार्डों ने जांच अधिकारी को ज्ञापन दिया, निष्पक्ष तरीके से जांच करने की बात कही। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। श्वेतकला बुधवार को सुबह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रावली में शासकीय भूमि पर मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए जिला खनिज अधिकारी अभिषेक वर्मा ने मौके पर पहुंचकर 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में खड़ा करवाया, जिन पर आगे की कार्रवाई मध्य प्रदेश खनिज व अवैध उत्खनन परिवहन भंडारण निवारण 2022 के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि ग्राम रावली में शासकीय भूमि से अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन करने की शिकायत गांव के महेंद्र सिंह चौहान द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। शिकायत का निराकरण नहीं होने पर महेंद्र सिंह द्वारा 2 बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जनसुनवाई में भी आवेदन किया। मंगलवार जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद कलेक्टर के आदेश पर खनिज विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर को अवैध उत्खनन व परिवहन करते जब्त किया।
श्वेत कला से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। सुस्नेर हाथों में भगवा पताकाएं लहरा रही थी, डीजे और बजरंगियों के मुख से एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, जय जय श्री राम। जगह जगह फूलों से वर्षा करते हुए शहरवासियों के द्वारा बजरंगियों का स्वागत कर उनका अभिवादन किया जा रहा था। पुलिस बल मुस्तैद था, तभी बजरंगी इस संचलन में अपना शौर्य दिखाते हुए चल रहे थे। एक कार्यकर्ता हाथों में गदा लिए शामिल था, जो आकर्षण का केंद्र बना रहा। यह अवसर था बुधवार को दोपहर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा निकाले गए सुस्नेर प्रखंड के शौर्य पथ संचलन का। नगर के साथ ही आसपास ग्रामीण अंचल व श्वेत कला नगर के हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। नगर के श्रीराम मंदिर धर्मशाला प्रांगण में दोपहर 1 बजे सभी कार्यकर्ताओं का एकत्रीकरण किया। यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में विहिप व बजरंग दल के प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख मोहन राठौर ने सभी को संबोधित किया। अतिथि के रूप में संगठन के जिला अध्यक्ष योगेंद्र परमार, जिला उपाध्यक्ष भरत भावसार, जिला मंत्री विनोद कौशल, जिला संयोजक राहुल माली, जिला सह संयोजक अनिल कांवल, प्रखंड अध्यक्ष जितेश राठौर, प्रखंड मंत्री शुभम विश्वकर्मा मौजूद रहे। उसके बाद शौर्य पथ संचलन की शुरुआत हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचा, जहां पर इसका समापन किया। इस पथ संचलन में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता ट्रैक सूट पहने कदम ताल करते हुए शामिल रहे। इनके पीछे डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर SDOP पल्लवी शुक्ला, थाना प्रभारी विजय सागरिया भी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। इस पथ संचलन का जगह जगह नगरवासियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सुस्नेर आगर से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। कई बार व्यक्ति तनाव में कीटनाशक दवाई सल्पास जहर को खा लेता है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। उस जहर खाए हुए व्यक्ति को बचाने के लिए हमें तुरंत अपनी हाथों की दोनों उंगली को मुंह में डालकर उल्टी करवानी चाहिए, जिससे जहर का कटु भाग उल्टी के द्वारा बाहर निकल जाता है और मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है। जितना जल्दी हो सके हमें मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर के द्वारा जल्द से जल्द